जैसे जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इन दिनों सर्दियों में घनघोर कोहरा भी छा जाता है जिसमें अधिकतर घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए रोडवे विभाग के द्वारा तैयारी की जा रही है। पूर्व में रोडवे विभाग की बसों में कोहरे के समय फॉग लाइट इस्तेमाल की जाती है जिससे कि रात्रि में चलने वाली रोडवेज की बसों कोहरे के समय किसी दुर्घटना का शिकार ना हो सके, घने कोहरे में फॉग लाइट के माध्यम से अपना सफर पूरा कर सकें। लेकिन अब फॉग लाइट की जगह ऑल वेदर बल्ब लगाया जा रहा है जो कि पीली रोशनी घने कोहरे में भी कार्य करेगी, जिसके लिए रोडवेज की लगभग 70% बसों में ऑल वेदर बल्ब लगाया जा चुका है और अन्य बसों में भी इसका कार्य पूर्ण जल्द कर लिया जाएगा। अधिकतर देखा गया था कि घने कोहरे की वजह से एक्सीडेंट जैसी घटनाएं घटती हैं और घटनाओं में कई जनहानि हो जाती थी और दुर्घटना का शिकार रोडवेज बस में भी अधिकतर होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्टेशन अधीक्षक संतोष अग्रवाल ने बताया कि निगम की लगभग 77 बसें मथुरा डिपो में संचालित हैं, तो सभी बसों में ऑल वेदर बल्ब लगाया जा रहा है और जैसे ही सर्दियां समाप्त होंगी इन बल्बों की जगह अन्य बल्ब लगा दिए जाएंगे और इस बार फॉग लाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बल्ब ऑटोमेटिक अपना रंग बदलेंगे और घने कोहरे में सफर तय कर सकेंगे। साहब बताएं, जैसा कि सर्दियों के दिन शुरू हो गए हैं और जैसे में कोहरा वगैरह भी पड़ता है, तो कोहरे में बसों के लिए, रोडवेज की बसों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? इस समय ऑल वेदर बल्ब आए गए हैं, वो सब लगा दी गई हैं, वो मौसम के हिसाब से पवित्र होते रहते हैं। कोहरा में उस हिसाब से काम करेंगे, करीब 80-70 बसों में लग गए हैं, 5-7 बस लगेंगे, उनको आज लगवा दिया जाएगा, पूर्व हिसाब से बात हो गई है, सभी बसों में ऑल वेदर बल्ब लगा दिए गए हैं। तो इससे जो फ़ायदा क्या होता है? जैसे कोहरे के टाइम पर उनका रंग परिवर्तित हो जाता है, पीले रंग के कलर होते हैं, ऐसा ही मौसम होता है, उस बात से वो एडजस्ट हो जाते हैं वो। तो कोहरा के बाद में जैसे और भी जो है बल्ब चेंज करे जाएंगे, यही 12 महीने काम करेंगे बल्ब? जी काम करेंगे। तो पहले क्या व्यवस्था की जाती थी? पहले फॉग लाइट लगती थी, फॉग लाइट के बाद ये नया सिस्टम आ गया ऑल वेदर बल्ब का, जो उससे ज़्यादा बेटर है। तो फॉग लाइट की आवश्यकता नहीं है? नहीं, हाँ ये काम पूरा काम करेंगे। तो कितनी बसों में अब तक जो 70 बसों में लग गए हैं, 7 बस लगेंगे, उनमें आज लगवा दिए जाएंगे। 70 बसों में लग चुके हैं, यानी कोई दुर्घटना जैसी कोई संभावना नहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी।